नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं अमित भांबरी, भांबरीज कलाकार एक्टिंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज आपको मैं ऐसा किस्सा सुनाऊंगा कि उम्मीद करता हूं आपको जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास पहुंचे। यह किस्सा यूं है, कक्कड़ों का बंगला है यहाँ पर। बड़े ही प्यारे लोग हैं कक्कड़ साहब, तो टेक्सटाइल बिजनेस में है, लेकिन उनकी मेम साहब एकदम विलायती हो। तो ये एक दिन हमारे मन में ये आया ख्याल कि उन्हें अपने मित्र कक्कड़ से मिलना चला जाए। चाय पियेंगे, बातें करेंगे, पकौड़े खाएंगे, समोसे खाएंगे। तो भैया फिर क्या था, बस हमारे मन में जो आया हम वो करते ही करते हैं। हम चल पड़े। अब हम रास्ते में ये सोच रहे हैं कि अपने मित्र से ये बात करेंगे, वो बात करेंगे, ऐसी बात करेंगे, वैसी बात करेंगे, साथ में पकौड़े और समोसे खाएंगे। तो बस अभी हम इतना सोच ही रहे थे कि उसका बंगला भी आ गया। अभी उसका बंगला देख ही रहे थे, अरे वाह 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 वाह, क्या बंगला है, क्या नजारा है। ऊपर से मौसम कितना बढ़िया था, बारिश का मौसम हो रहा था। तो भैया इससे पहले कि उसके बंगले के अंदर जाते, सामने खड़ा उसका सिक्योरिटी गार्ड, उस मुच्छर ने हमें ऐसे घूर कर देखा, ऐसे घूर कर देखा मानो जैसे हम कोई मिलिटेंट हूं, चोर हूं। हमने बोला छोड़, इसके मुंह कर लगेगा, अंदर चलते हैं, अपने मित्र कक्कड़ से मिलेंगे, चाय पियेंगे, सुरर सुरर करके पकौड़े खाएंगे, बातें करेंगे। तो भैया फिर क्या था, मतलब चल पड़े। अरे वाह वाह वाह, क्या देखते अंदर, ये बढ़िया था लकड़ी का दरवाजा, सामने लाल रंग की बेल लगी थी। हमने बेल की टिंग टोंग टिंग टोंग, तो भैया बेल तो हमने की, लकड़ी का दरवाजा खोला तो क्या देखते हैं, हमारे सामने विलायती हूं खड़ी है। इससे पहले कि हम कुछ बोलते वो बोली, जी नमस्कार, मुझे आप ही का इंतजार था, आपने इतनी देर क्यों लगा दी, मुझे किटी पार्टी मचा रहा है। अच्छा आप जल्दी से अंदर आ जाइए, ये रही कुर्सी, ये रहा पंखा, जल्दी से ठीक कर दीजिए, मैं अकेले पानी लेकर आती हूँ। ओके, अपने सामान साथ में लाए हो ना। भैया हमारा माता ठनका, ये लेडी को कोई गलतफहमी हो गई है, शायद ये हमें इलेक्ट्रिशियन समझ रही है। उससे पहले कि हम कुछ और सोच पाते वो तो पानी का गिलास ले आए और कहने लगी, ये लीजिए पानी, पानी पी लीजिए। भैया फिर क्या था, हमने ना देखा ना था, हमने फटाफट पानी का गिलास लिया, गड़गड़ पी लिया। अब ना हम कुछ बिना सोचे समझे हम उस कुर्सी पर चढ़ गए, अब हम कुर्सी पर चढ़ गए। अब कभी हम उस पंखे को देख रहे हैं तो कभी उस मिलाई थी हुर को देख रहे हैं, कभी उस मिलाई थी हुर को देख रहे हैं तो कभी उस पंखे को देख रहे हैं। तो आखिरकार उस लेडी ने हमसे पूछ लिया, ये क्या टुकुर टुकुर देख रहे हो, घर में कोई ना भय नहीं है, शर्म नहीं आती औरतों को ऐसे देखते हुए, चुपचाप पंखा ठीक करो, अपने पैसे लो और चलते बनो। मैंने कहा, श्रीमती जी मैं कोई इलेक्ट्रिशियन विक्ट्रिशियन नहीं हूँ। भाई हमारी ये कहने की देर थी, वो तो लेडी लगी चला गई, बचाओ बचाओ चोर चोर चोर। भैया वो मुच्छर सिक्योरिटी है, वो पहले से तैयार बैठा था हमें मारने के लिए। ड्राइवर नौकर चाकर घर में जितने लोग थे सबने आकर हमें ऐसा पीटा, ऐसा पीटा मानो जैसे धोबी घर में कपड़ा धोते है ना, किसी ने फुटबॉल की तरह हमको किक मारा, किसी ने हमें पटक के नीचे फेंक दिया, ये मारा वो मारा पीछे मारा। अरे हमारा सुंदर ब्यूटीफुल फेस सुजा कर रख दिया। बड़ी मुश्किल से हमने खुद को बचाया और उस लेडी को बोला, अरे मेरी बाप मैं कोई चोर वोर नहीं हूँ, मैं तो अपने मित्र कक्कड़ से मिलने आया था, पकौड़े खाने आया था, समोसे खाने आया था, चाय पीने आया था, तूने हमें चूते गिना दिए। बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई और वहां से हम भागे। तो वही इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि जब भी अपने किसी मित्र के घर में जाओ आज की डेट में तो फोन करके जाओ, वरना ऐसा ही हाल होगा जैसा हमारा हुआ था। जय राम जी।